बहुत सारे बच्चों के मन में ना बार बार सवाल आ रहा था, बच्चे बोलेंगे कि मैम ये वाला सवाल तो मेरे मन में भी था ना, क्योंकि हमने कमेंट, क्योंकि हमने बोला था तुम लोगों को पहले कि आपका हर एक कमेंट जस्ट विल क्लासेस की टीम भी पढ़ती है और हम भी पढ़ते हैं। तो हमने जब सारे बच्चों का कमेंट देखा तो उसमें बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि मैम आपने बताया कि लड़कों में स्वप्न दोष होता है, तो क्या महिलाओं में भी स्वप्न दोष होता है, और अगर महिलाओं में स्वप्न दोष होता है तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोलेबल रखती हैं, या फिर उनमें किस प्रकार से स्वप्न दोष देखा जाता है, वो किन चीजों को अपना करके स्वप्न दोष को रोक सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। ठीक है, तो इतने सारे सवाल थे, तो आप सभी के सवालों का, कहा जैसे डिमांड के जो सवाल है, उन पर हमने एक प्रॉपर वीडियो देने की कोशिश की है। तो मे भी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या महिलाओं में भी स्वप्न दोष होता है, और अगर होता है तो क्यों, कैसे, क्या। सबसे पहली चीज आपको बता दें कि जो बच्चों का सवाल था कि क्या महिलाओं को भी स्वप्न दोष होता है, तो उसका जवाब है जी हाँ, महिलाओं को भी स्वप्न दोष होता है। अब सोचोगे क्या मैम महिलाओं को, पुरुष का तो चलो हमको पता है, बस देखो दिक्कत क्या है, महिलाओं को भी स्वप्न दोष होता है, लेकिन महिलाओं में एक बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, उनके वजाइना से, योनि से एक स्त्राव होता है जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। मेल में क्या है, जब मेल स्वप्न दोष का शिकार होता है तो उसके शरीर से, उसके शिश्न से अधिक मात्रा में वीर्य का त्याग होता है। ठीक है, ये मेल में था, लेकिन महिलाओं में इसमें थोड़ा सा अंतर है, महिलाओं में बहुत ही कम मात्रा में म्यूकस बाहर निकलता है। ठीक है, और ये चीज याद रखना, लड़कों में स्वप्न दोष बहुत ज्यादा पाया जाता है जबकि लड़कियों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एक और चीज याद रखना, लड़कों में जो स्वप्न दोष होता है 10 में से 8 लड़के स्वप्न दोष के शिकार होते हैं, लेकिन लड़कियों में 10 में से केवल 2 से 3 महिलाएं ही स्वप्न दोष की शिकार होती हैं, ज्यादातर महिलाएं स्वप्न दोष नहीं करती या फिर उनमें स्वप्न दोष नहीं होता है। ठीक है, तो क्या महिलाओं को भी स्वप्न दोष होता है, या इंटरनेट पर सबसे अधिक बार सर्च किए जाने वाला सवाल है। ठीक है, तो जी हाँ ये सच है, महिलाओं और लड़कियों दोनों को स्वप्न दोष होता है। वास्तव में पुरुषों की तरह महिलाओं को भी स्वप्न दोष होता है। शोध से पता चला है कि 21 साल की उम्र में ज्यादातर लड़कियां स्वप्न दोष का शिकार होती है। जब भी कोई लड़की, देखो सबका एज है, लड़कों में हमने बताया था कि लगभग जैसे ही लड़का 18 साल का होता है तो उसके शरीर में स्वप्न दोष ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर बात करें एक लड़की की, फीमेल का, तो फीमेल में ये क्या होगा, जैसे ही लड़की क्या होती है 21 साल की होती है, उसमें स्वप्न दोष देखा जाता है। इसके बाद, इसके अलावा 1986 में जनरल ऑफ सेक्स रिसर्च, ठीक है, में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कॉलेज जाने की उम्र वाली 37% महिलाओं ने नींद में कम से कम एक बार स्वप्न दोष का अनुभव जरूर किया है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा एक बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम था सेक्स रिसर्च। उसने क्या किया कि कॉलेज जाने वाली 37% महिलाओं में देखा कि वो नींद में स्वप्न दोष की शिकार होती हैं, महिलाओं में भी स्वप्न दोष पाया गया। ठीक है, यह अध्ययन दर्शाता है कि महिलाओं को स्वप्न दोष होता है, और ये कोई नई बात नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा है ओ माय गॉड महिलाओं को भी स्वप्न दोष, अरे नॉर्मल है, मेल और फीमेल दोनों में स्वप्न दोष की क्रिया बिल्कुल नॉर्मल है, ये किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है, ये एक नॉर्मल है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से मेल में स्वप्न दोष का कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं होता, नुकसान नहीं होता, उसी तरीके से महिलाओं में भी है। हाँ, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये चिंता के विषय है। ठीक है, लेकिन मेल में क्या था, मेल में तो जब उनको स्वप्न दोष होता है तो उनके शरीर से वीर्य निकलता है, और हमको पता है वीर्य में शुक्राणु होता है, लेकिन महिला में जब स्वप्न दोष होता है तो उनके शरीर से म्यूकस निकलता है, एग नहीं, तो उनके शरीर में इससे कोई नुकसान नहीं। ऐसा नहीं है कि उनके शरीर में अंडे के निर्माण में कमी हो जाएगा, कुछ भी नहीं, उनके शरीर से, योनि से बस कुछ मात्रा में पानी की तरह एक तरल चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे म्यूकस कहते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। आगे
आगे बढ़ते हुए देखेंगे, ये एक महिला की बात कर रहे हैं, जब कोई लड़की नींद में रसखलित हो जाती है। रसखलित का मतलब होता है कि जब वो महिला क्या है, नींद में, और नींद में उसके योनि से क्या हो रहा है, एक तरल पदार्थ का स्त्राव हो रहा है, ठीक है, या फिर उसकी योनि से तरल पदार्थ का स्त्राव होता है, तो उसे स्वप्न दोष कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में स्वप्न दोष क्या है, तो नींद में ही अगर किसी के भी जननांगों से एक चिपचिपा तरल पदार्थ स्त्रावित होता है महिला के शरीर से, तो इसे महिला का स्वप्न दोष कहा जाता है। आमतौर पर रात में लड़कियों की योनि अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि रात में योनि और आसपास के क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। आपको बता दें, रात में जो लड़कियों का जननांग होता है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, संवेदित हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो रक्त का प्रवाह है वो बहुत तेजी से होने लगता है। तो ये रीजन है, ठीक है, जिसके वजह से रात में उनकी योनि के आसपास अधिक उत्तेजना देखने को मिलता है और स्वप्न दोष हो जाता है। इसके अलावा आपको नींद में ही ऑर्गेज्म होने की संभावना होती है, हालांकि आपको इसका पता तब चलता है जब आपकी नींद खुलती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो, आप स्वप्न दोष, कोई भी महिला स्वप्न दोष का शिकार है या फिर उसको स्वप्न दोष हुआ है, ये नींद में उसको बिल्कुल पता नहीं, लड़कों का तो पता चल जाता है, ठीक है, बॉयज के शरीर से वीर इतना ज्यादा निकलता है कि उनको पता चल जाता है कि हाँ हमें स्वप्न दोष हुआ है, लेकिन महिलाओं में ये कम मात्रा में होता है, इसलिए उनको नींद में बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उनको स्वप्न दोष हुआ है। जब वो नींद से जागती है तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ वो, उनको रात में स्वप्न दोष की शिकार हुई या फिर उनमें स्वप्न दोष देखा गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे है कि स्वप्न दोष, स्लीप ऑर्गेज्म और नॉक्टन इमिशन में क्या अंतर है इन तीनों में, ठीक है। आप लोग, पहली बार स्वप्न दोष के बारे में तो हमने बता दिया कि महिलाओं में जो स्वप्न दोष है वो क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है। आगे की क्लास में हम जानेंगे कि स्वप्न दोष और स्लीप ऑर्गेज्म और नॉक्टर्नल इमिशन, ठीक है, तुम लोग तो पहली बार ये नाम सुन रहे हो, तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये क्या है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए कि स्वप्न दोष क्या है, उसके बाद स्लीप ऑर्गेज्म क्या है और तीसरा नॉक्टर्नल इमिशन क्या है। तो इन तीनों में क्या अंतर है, क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में मेरा मोटो इतना था कि आपको बता दें कि महिलाओं में भी स्वप्न दोष होता है, ये नॉर्मल है, महिलाएं, और स्वप्न दोष क्या है कि जब महिला सपने में है, ठीक है, जब महिला सो रही है तो उसके ख्याल में ऐसे विचार आएंगे कि वो क्या सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं नींद में ही सेक्सुअल एक्टिविटी, जो ऑर्गेज्म का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, ऐसा लगेगा कि वो इस वक्त संभोग की क्रिया कर रही है, जिसकी वजह से उनके शरीर से एक म्यूकस बाहर निकलता है जिसे हम लोग स्वप्न दोष कहते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, बार बार नॉर्मल इसलिए कह रहे क्योंकि बाद में हमें पता है आप लोग कमेंट में लिखोगे कि मैम ये बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत कम होगा तो क्या होगा, जिसको हो रहा है वो क्या करे, वो लड़की खराब है, पापी, जो बोला जाता है ना, एक वर्ड यूज किया जाता है कि ये पाप है, ये बहुत ही गलत है, तो इस पर आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप गलत चीजें, जैसे आपको पता है कि ये चीज गलत है तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है लेकिन आप इस पर कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। लड़कों में स्वप्न दोष या लड़कियों में स्वप्न दोष ये आपके द्वारा कंट्रोल की जाने वाली चीज है ही नहीं, ये हमारे मानसिक मन के द्वारा कंट्रोलेबल चीज है। अगर हाँ, अगर आपको चाहते हो कि हमें स्वप्न दोष ना हो, बिल्कुल कम हो, तो आप इन चीजों से दूर रहो, अपने मन में अच्छे अच्छे ख्याल लाओ, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें देखो, मोटिवेशनल बुक्स देखो, मोटिवेशनल मूवीज देखिए, सीरियल्स देखिए, ये सारी चीजों के वजह से आपको स्वप्न दोष कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप रात में सोने से पहले सेक्सुअल चीजों के बारे में सोच रहे हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज देख रहे हो, या फिर कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हो जिससे आप उत्तेजित हो रहे हो, देन आप रात में स्वप्न दोष के शिकार हो सकते हो। तो अगर आपको स्वप्न दोष को रोकना है तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। कपड़े ढीले ढाले पहनने चाहिए, ठीक है, इसमें कई बार बोला गया कि लड़कियों को कपड़े ढीले ढाले ही पहनने चाहिए। आपको कॉटन के ड्रेसेस ही, ज्यादातर बोला जाता है ना जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो कॉटन के हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना है, जो म्यूकस है, ठीक है, लड़कियों में हमने कहा कि म्यूकस बहुत ही कम मात्रा में स्त्रावित होता है, कुछ महिलाओं में ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। तो अगर किसी महिला में ये बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा या फिर कई बार स्वप्न दोष हो रहा, तो ये एक चिंता का विषय, उसे तुरंत जाकर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उसे डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अपनी परेशानी को बतानी चाहिए, ठीक है।
अगर नॉर्मल है तो सब कुछ नॉर्मल है, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन दिखने को मिल रहा है, कुछ गंध टाइप का महसूस हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर मिल सकते हो, उनको बता सकते हो इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। आप चाहो तो किसी साइकेट्रिस्ट से भी बात कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन तीनों के बीच में अंतर बताएंगे कि आखिर स्वप्न दोष और स्लीप ऑर्गेज्म क्या है। तो नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तो फटाफट क्या करिए, अपना जो भी सवाल है हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी चैनल को, लाइक भी कर दीजिएगा।